और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली में सप्तमेश यानी कि सेवंथ हाउस का लोड आपकी जन्म कुंडली में कहां पर बैठा है, 1 से 12 भावों में। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। इन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो क्या फल देगा। सबसे पहले तो देखिए सप्तमेश यानी कि सेवंथ हाउस का लोड जब भी लग्न में बैठा हो पहले ये देखिए कि कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह है पाप ग्रह है। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, आपका जीवन साथी जो होगा सुंदर होगा, आपका सपोर्ट करने वाला होगा, बहुत अच्छी फैमिली से होगा, उसके आने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके देखने को मिलेंगी, आप आगे बढ़ेंगे यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे, ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऐसा इंसान अकेले बिजनेस करने वाला होता है, अपने व्यापार में कार्य क्षेत्र में अपने दम पर खूब आगे बढ़ता है, खूब नाम कमाता है, पैसा कमाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कई बार विदेश यात्रा करते हैं, स्टेटस जो होता है ना उनकी लाइफ का खूब हाईफाई होता है, अच्छा होता है। अब अगर सप्तम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हो तो लग्न में बैठ कर सबसे पहले तो आपके अंदर आलस भर देगा, यानी कि अगर कोई पाप ग्रह है तो आपके कामों में रोड़े अटकाने लगेगा, सातवीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा यानी कि लग्न में बैठा ग्रह सातवीं दृष्टि से अपने ही घर में देखेगा, तो यह व्यापार में तो ज़्यादा फायदा देगा लेकिन हो सकता है शनि जैसा ग्रह हो तो आपकी शादी में देरी हो जाए, विलंब हो जाए, या ये कह सकते हैं कि आपको बहुत मैच्योर या फिर आपको ऐसा जीवन साथी मिले जिससे बहुत अच्छी आपकी ना बने। अगर शनि पीड़ित ऐसा जीवन साथी मिले जिससे बहुत अच्छी आपकी ना बने, अगर शनि पीड़ित भी हुए तो हालांकि सप्तम भाव का स्वामी जब भी लग्न में बैठेगा तो वह अपने ही घर को देखेगा, और जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो सबसे ज़्यादा वह प्रभाव देता है बचाने के लिए, यानी वह चीज़ों को खराब कम करता है। ठीक है, अच्छा प्रभाव ज़्यादा देता है यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव चीज़ों पर इफेक्ट कम देता है और अच्छा प्रभाव अपना शुभ प्रभाव ही ज़्यादा देता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने जीवन में खूब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल बिजनेस करें या एक बिजनेस नहीं बहुत ऊपर तक बढ़ जाए, ठीक है, कोई भी मल्टीपल चीज़ें करें या एक बिजनेस भी करें, ये सभी इनका बहुत ऊपर तक जाते हैं और खूब धन दौलत खूब रुपये पैसे ये कमाते हैं, और जीवन साथी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाला होता है। अब पाप ग्रह की स्थिति में एक चीज़ और हो जाती है कि कई बार जीवन साथी का जो आपका स्वास्थ्य होता है ना वह प्रभावित हो जाता है, यानी कि तबीयत उनके ख़राब बनी रहने लगे। जीवन साथी का मतलब है अगर लड़के की जन्म कुंडली में है तो उनकी पत्नी, और अगर लड़की की जन्म कुंडली में है तो उनके पति, तो आप समझ लीजिएगा जीवन साथी का मतलब उनके अकॉर्डिंग टू लग्न में। ठीक है, जब ऐसा सप्तम भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसे लग्न में भी जो ग्रह बैठता है ना वह एनहांस कर देता है, चीज़ों को बढ़ा देता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट दिखाई देने लगेंगे, सही फैसला लेने वाले होंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत होगा, और इस मजबूत व्यक्तित्व के सहारे अपने जीवन साथी की मदद से आप अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। अब यही सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, देखिए लगन से दूसरे भाव में अपने घर से आठवें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है, यह बात सही है। धन की दृष्टि से ऐसा ग्रह स्थिति बहुत ही अच्छी है, हो सकता है आपका जीवन साथी किसी अच्छे परिवार से बड़े परिवार से आए तो आपको अपने विवाह में या विवाह के बाद बड़ी संपत्ति हाथ लग जाए, या हो सकता है आप अपनी शादी के बाद खूब धन कमाने लगे, लेकिन क्योंकि अपने घर से आठवें घर में इसलिए यह देखने में आया कि कई बार जो जीवन साथी होगा उस संबंध आपका आपकी बहुत अच्छे नहीं, उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, यानी कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, हो सकता है कि आपके जीवन साथी से आपका ज़्यादा ना बने, तो घर में रहते हुए भी आप लोगों का थोड़ा सा अलग अलग रहने वाला स्वभाव, या एक दूर जो कहते हैं दूरी हो उचित, तो बीच में जो दूरी बन जाए। अगर कोई शुभ ग्रह है तो ऐसे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, धन की दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा है, इंसान के पास खूब धन होता है, ऐसा इंसान बिजनेस भी करता है तो बिजनेस में खूब तरक्की करता है। हाँ, बिजनेस करता है अगर ऐसा इंसान जिसके सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठे हो, ऐसे इंसान को जो भी चीज़ में पैसा लगाने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, यानी कि कुछ भी करे पैसा लगाने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। खासतौर पर अगर ऐसा इंसान कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो प्रॉपर्टी खरीदने के पहले प्रॉपर्टी की खूब अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए, और कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा इनको अवश्य कर लेना चाहिए। ठीक है, धन की दृष्टिकोण से सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाता है तो बहुत अच्छा है, जीवन साथी का स्वभाव एवं बहुत अच्छा होगा, उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, वह आपको बहुत अच्छे सलाह देने वाले होंगे। कई बार देखने में आता है कि सप्तम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठता है तो आपके घर परिवार में कोई लोग
यानी कि परिवार के लोग ही आपके लिए व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं कि तुम इससे शादी कर लो, या आपके दोस्तों में से कोई ऐसा होगा जिससे आप शादी कर ले, या फिर आपके परिवार रिश्तेदारों में से कोई ऐसा होगा जो आपके लिए जीवन साथी ढूंढ दे, आपको मिलवा दे। तो यह स्थिति अभी देखने के लिए आती है। अब देख लेना कि अब आपका पाप ग्रह या शुभ ग्रह, पाप ग्रह होना तो थोड़ा सा रिश्तों में कहते हैं ना कि थोड़ा सा मन मुटाव हो कभी कभी आ जाता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो खराब प्रभाव कम से कम मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर शुभ ग्रह है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे धन और व्यापार के लिए, ऐसा जो है ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होती है। दूसरी, जब भी सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो ज़्यादातर देखने में आता है कि ऐसे लोग पार्टनरशिप में भी व्यापार को खूब आगे बढ़ा जाते हैं। अगर यही सप्तम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हुआ तो ऐसे लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी की मदद लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब यही सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में आकर बैठा हो तो देखिए, लगन से तीसरे भाव में और अपने घर से नौवें भाव में, अगर यहाँ पर कोई ग्रह शुभ सप्तम भाव का स्वामी शुभ हो तो भी, अगर पाप ग्रह हो तो भी, ऐसा इंसान खूब मेहनती होता है और सबसे बड़ी बात ऐसे इंसान को जीवन साथी मिलता है ना, वह भी खूब मेहनती होता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा करके ट्रैवल से टूरिज्म से बहुत पैसा कमाते हैं। अगर ऐसे लोग, क्योंकि देखो 99% ऐसे लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और इनका जो जीवन साथी होता है ना वह भी इनको बिजनेस करने की सलाह देगा। ऐसा इंसान खुद भी मेहनत के दम पर अपने भाग्य को अपने फेवर में कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी जब तीसरे में बैठेगा तो यहाँ से बैठ करके नौवें भाव को देखेगा, तो ऐसा इंसान की मेहनत के आगे उसका भाग्य भी उसका सपोर्ट करने लगता है। ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब अच्छे से बिजनेस करता है, एक से ज़्यादा बिजनेस करने के भी यहाँ पर चांसेस होते हैं। ऐसा इंसान को जो जीवन साथी होता है ना उसका सपोर्ट करने वाला होता है। कई बार ऐसा इंसान की शादी के बाद उसका भाग्य और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, यानी उसका जो जीवन साथी उसके लिए लक्की साबित होता है। ऐसा इंसान को अपनी, अगर लड़का है तो अपनी पत्नी से, और यदि महिलाएं हैं तो अपने पति से सलाह लेने के बाद कोई बिजनेस अवश्य स्टार्ट करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान नौकरी भी करता है तो चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, तो ऐसा इंसान खूब फायदा होता, यानी कि इसको बहुत फायदा होता है। इस इंसान यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरक्की करता है। अपने घर से नवें भाव में भाग्य का सपोर्ट भी मिलता है। लगन से तीसरे भाव में ऐसा इंसान खूब मेहनती होता है, मेहनत और भाग्य का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा इंसान बिजनेस करे तो भी, नौकरी करे तो भी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचता है और जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे इंसान को समझने वाला, सपोर्ट करने वाला ऐसा इंसान साझेदारी में भी व्यवसाय कर सकता है, यानी कि मिल करके व्यवसाय कर सकता है। कई बार ऐसे लोग टीम बनाकर यहाँ कोई सामाजिक कार्य में भी किसी समूह से जुड़कर बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब यही सप्तम भाव का स्वामी चौथे घर में बैठा हो तो देखिए, चौथे भाव में जब भी सप्तम भाव का स्वामी बैठा, चौथा भाव आपके भूमि भवन वाहन लग्जरी उपार्जित आय इन सब चीज़ों को यह दिखाता है। चौथे भाव में तो कई बार देखने में आया कि सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो लोग जमीन भूमि से जुड़े काम अगर करते हैं तो इनमें बहुत सफलता हासिल करते हैं, और कई बार ऐसे लोगों की शादी जिस परिवार में होती है उस परिवार से इनको यह तो जमीन जायदाद मिलती है, या फिर अपनी शादी होने के बाद यह लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट दिखाते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा कि शादी के बाद उनका खुद का मकान बना, शादी के बाद उन्होंने खुद की गाड़ी खरीदी, शादी के बाद उनके अच्छे दिन आ गए, वह चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। तो अगर सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठे हो तो इस तरह के प्रभाव आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अब दूसरी चीज़ यह है कि सप्तम भाव का स्वामी जब चतुर्थ में बैठा हो तो ऐसे, अगर सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो, चौथे भाव में बैठकर माता की सेहत को ऐसा ग्रह जो है ना प्रभावित करता है, अगर शनि है, राहु है, मंगल है, इस तरह का ग्रह सप्तम भाव को स्वामी को होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो बिजनेस में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब प्रॉपर्टी बनाता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा इंसान की जो माँ होती है उनकी तबीयत को, यानी कि तबीयत को वह ग्रह प्रभावित करता है। दूसरा, सप्तमेश अगर पाप ग्रह के, यानी कि सप्तमेश अगर पाप ग्रह होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो तो आप देखिएगा, खासतौर पर पुरुष की जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो जिस भी लड़की से उसकी शादी होगी वह लड़के अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी, मतलब जो उनकी मदर इन लॉ होंगी ना उनके साथ ऐसी लड़की रहना पसंद नहीं करेंगी, उसे वह अकेले रहना पसंद करेंगी, तो यह चीज़ भी रिश्ते में होती है। अब सप्तमेश कोई पाप ग्रह हो के चतुर्थ में बैठे हों तो अब यहाँ पर बैठकर सप्तमेश सीधे अपनी सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, तो ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत ऊंची सफलता को प्राप्त करता है। इंसान बिजनेस करे तो उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, यानी कि बहुत ऊपर जाता है, और अगर अपना कोई काम करे, नौकरी करे, उसमें भी ऐसा इंसान विशेष सफलता हासिल करता है। पति पत्नी की आपस में खूब बनती है, लेकिन अगर कोई पाप ग्रह हो तो कई बार माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और जो आपके स्पाउस है
वे आपकी माता से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। बाकी प्रॉपर्टी के लिए, धन दौलत के लिए यह बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ की जब सप्तमी चतुर्थ भाव में बैठते तो ऐसा इंसान कई बार विदेश जाना पसंद नहीं करता। उनका जन्म जहाँ पर हुआ वह वहीं पर रह करके कुछ ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। अपना नाम कमाना, बिजनेस करना, यानी वह यही चाहते हैं कि लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो, लेकिन उसको बहुत विदेश में या दूर ना जाना पड़े, क्योंकि घर में, अपने घर में जो वह ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है ना, ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, वो कहीं पर नहीं करेगा। सो अब बात करते हैं, अब यही सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में चला जाए, देखिए अपने घर से यानी कि ग्यारहवें भाव में और लगन से पंचम भाव में, दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा इंसान अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से बिजनेस में दिन दोगुना रात चौगुना त्रिगी ये वृद्धि करता है। ऐसा इंसान देखिएगा हमेशा वह काम पकड़ेगा, यानी कि जो उसे करना है उसके पहले वह पूरा उसे काम का एक लिस्ट बना लेगा, पूरा एक एनालिसिस कर लेगा कि जो बिजनेस उसे करना है कहाँ पर करना है, कितनी पूंजी लगेगी, किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा इंसान खुद यह सब नहीं कर रहा तो उसकी जो पत्नी होगी या जो लड़की की कुंडली है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वह ऐसे होंगे कि वह बहुत शार्प माइंडेड होंगे और वह उनके जीवन में आने के बाद उनका बहुत सपोर्ट करेंगे। कई बार आपने देखा है कि आपकी स्थिति नॉर्मल चल रही है लेकिन आपकी जिनसे शादी हुई है ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी बड़े फर्म से संस्थान से ये जुड़े हुए हैं, या आपकी शादी हुई तो आप भी उसी में इन्वॉल्व हो गए। अब आप दोनों लोगों की जब एनर्जी मिल गई है तो आप उसी क्षेत्र में और सफलता हासिल कर लोगे। तो लगन से पंचम में जब ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर देता है। कई बार देखने में आया कि ऐसे लोगों की जो संतान होगी, बच्चे होते हैं ना, बच्चे इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनके माता पिता को भी उनके नाम से जाना जाता है, यानी संतान होने के बाद भाग्योदय होता है और संतान जो है बहुत भाग्यशाली होती है। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा तो इंसान अपने दिमाग से व्यापार में बहुत आगे बढ़ता है, जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, कोई पाप ग्रह वगैरह है हो, यानी कि अगर यहाँ पर तो सप्तम का स्वामी होकर कोई पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो कई बार संतान होने में यानी बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, मेडिकल कंडीशन तक होती है। यहाँ हो सकता है कि बच्चे देरी से हों लेकिन होते हैं, बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, या जो आपके स्पाउस होंगे यानी आपके जो जीवन साथी होंगे वह बहुत शार्प माइंडेड होंगे, आपको सही सलाह देने वाले होंगे, जीवन के हर जो फेस है ना आपके सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके साथ हमेशा डटकर खड़े रहेंगे, आपकी अच्छी सलाह देने वाले होंगे और आपको आगे तक आपके लिए मतलब यानी कि भाग्यशाली होते हैं। वैसे ऐसे इंसान जिनके सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, ऐसा इंसान खुद भी बहुत शार्प माइंडेड होता है और अपने दिमाग से खेलने वाला होता है, यानी कि दिमाग से चलने वाला होता है। अब पंचम भाव में बैठा सप्तमेश सीधे ग्यारहवें भाव को देखेगा, ठीक है, तो यानी कि उसका पूरा दिमाग आय के लिए, यानी कि आय के लिए होगा। कई बार देखने में आता है कि सप्तम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है यहाँ पर बैठ जाए तो इंसान ऊपरी कमाई के लिए भी बड़ी, यानी कि इंसान को पूरी कमाई ऊपरी कमाई के लिए भी बहुत परेशान रहना पड़ता है। अगर वह सरकारी नौकरी कर रहा है तो रिश्वत के लिए परेशान है, यानी आपको अपनी इनकम के अलावा और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्योंकि इनकम इसका मुख्य यानी कि मुख्य देह हो जाता है। तो बिजनेस करें या नौकरी करें उसको इनकम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। ऐसा भी देखने के लिए आता है कि यह एक अच्छा प्लेसमेंट है, मैं इसे एक अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ। बाकी जन्म कुंडली की अन्य ग्रह स्थितियाँ, सप्तम भाव की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है और भी चीज़ें इफेक्ट करती है, मतलब कि नॉर्मली यह जो प्लेसमेंट है यह प्लेसमेंट इसे मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ये बहुत ही अच्छी है। अब देखिए जो सप्तम भाव का स्वामी है जब छठे भाव में आकर बैठ जाए तो अपने घर से बारहवें भाव में आ गया और लगन से छठे भाव में आ गया, तो बहुत एस्ट्रोलॉजर को देखा है कि जो भी सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में हो तो एवं तीसरे से संबंध बनाता हो तो ऐसे लोग आसानी से कह देते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर होंगे वह चीट करने वाले होंगे, आपके लाइफ पार्टनर धोखा देने वाले होंगे, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर होगा, यह सब यह सारी चीज़ें सिर्फ एक ग्रह को देखकर तय नहीं किया जा सकता। ऐसा बोला कि आप सामने वालों को और यानी कि ऐसा बोलकर सामने वाले को और ज़्यादा परेशान कर देते हो। जो लोगों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव आठवें में या बारहवें में बैठे हैं, अगर आप ऐसा बोल देंगे यानी कि जहाँ पर उसका रिश्ता हो रहा होगा वो भी टूट जाएगा। तो केवल एक ग्रह स्थिति देखकर कभी भी इस तरह के इस शब्द इस्तेमाल मत करिएगा और ना ही करने चाहिए, ठीक है। आपको मान लीजिए ऐसी स्थिति है जो कि होती है कि मान्यता है कि ऐसे ही ग्रह दशाएं होती है कि इन चीज़ों से लिए कहा जा सकता है कि, लेकिन इसकी संभावना होती है, यह नहीं कहा जाता कि ऐसा होगा कि जब सप्तम भाव का स्वामी छठे में आता है तो
उसके कई पॉजिटिव जो चीज़ है ना वह भी है। जैसे आपको हो सकता है आपके जीवन साथी जो है विदेश में कहीं मिल जाए, विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, या आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आप बहुत कॉम्पिटेटिव नेचर के हो सकते हैं, यानी दूसरों से प्रतिस्पर्धा जल्दी मान लेते हैं। आप बहुत मेहनती हो सकते हैं, आपके जीवन साथी जो है वह हो सकता है कि आपको आपके जन्म क्षेत्र से बाहर मिल जाए, या बाहर आपकी शादी हो जाए, आपके जन्म स्थान से दूर आपकी शादी हो। यह नहीं कि आपको इससे केवल नुकसान ही होगा, हाँ यह चीज़ है कि जब स्थितियाँ बिगड़ जाती है तो कई बार जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत परेशानी हो देखने को मिलती है। पति पत्नी में से किसी ना किसी एक का स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है। बिजनेस करने के लिए इंसान बिजनेस का यानी कि बिजनेस करता है, लेकिन कई बार बिजनेस में उसे छोटे मोटे नुकसान होने लगते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह कोई गलत फैसला ले लेता, उसे पैसे का नुकसान हो जाता है, यानी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा उसको लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि अगर सप्तम यानी कि सप्तमेश अगर छठे में आ जाए तो ऐसा इंसान विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा हो और सोच समझ कर फैसला ले रहा हो तो ऐसे इंसान को खूब फायदा होता है। यानी ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाता है, खूब नाम कमाता है, और जीवन साथी का भी अच्छा रिपोर्ट यानी कि इनका जीवन साथी का भी इनको अच्छा सपोर्ट रहता है। देखिए आपके जीवन साथी से कैसा चलेगा, कैसा बनेगा, यह आपको डिसाइड करना। ग्रह स्थितियाँ तो यह बाद में आती हैं, सबसे पहले आपके संस्कार, आपकी आप कैसा सोचते हैं, आप अंदर से कैसे हैं, खुद को आप पहचानिए कि आप कौन सा काम करेंगे तो अच्छा होगा समाज के लिए, या आपके आपसी रिश्ते के लिए कौन सा काम करेंगे जो ख़राब होगा। तो मैं नहीं मानता कि कोई ग्रह अगर कहीं बैठ जाए तो ऐसा करवा ही देगा। आपका अपना विवेक, अपना ज्ञान जो है वह भी होता है, उसे भी तो आप कंसीडर करेंगे। तो कोई भी चीज़ एकदम से किसी ना किसी नेगेटिविटी एक्सपेक्ट मत देख लीजिए, यानी कि किसी भी चीज़ को देख करके कभी भी किसी को नेगेटिव मत बोल दीजिए। सबसे पहले देखिए कि उसे कौन सी अच्छी चीज़ मिल रही है, ठीक है, मुझे और इसे बेहतर कैसे बनाना है। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कभी मत उठाइए। अब अगली बात करते हैं कि अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही बैठा हो, किसी भाव या किसी ग्रह के लिए सबसे अच्छी कंडीशन होती है जब ग्रह अपनी ही राशि में अपने ही भाव में आकर बैठ जाए। आप मर्जी भर दुनिया में कहीं भी घूम लें, लेकिन अपने ही घर में आएंगे तो सुकून मिलेगा। अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठा है तो लगन को देखेगा, ऐसे इंसान खूब अब बड़ा व्यापार करने वाला, एक साथ कई बिजनेस अपने जीवन काल में करेगा, खूब प्रॉपर्टी खरीदेगा, धन दौलत से बहुत अच्छा होगा। ऐसे इंसान को खूब अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो उसे समझेगा, उसे सही रास्ता दिखाएगा, या उसके रास्ते में आगे बढ़ने में लिए उसके लिए मदद करेगा। अब सप्तम यानी कि सप्तम भाव का स्वामी लगन को देखेगा तो ऐसा इंसान मल्टीपल बिजनेस कर सकता है, कई बार विदेश यात्रा कर सकता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकता है, प्रॉपर्टी पैसा खूब बना सकता है। ऐसे इंसान का जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छे नेचर का होगा, इनको समझाने वाला होगा, यानी हर तरह से अच्छा होगा। अब यहाँ पर अगर कोई सप्तमेश कोई पाप ग्रह हो, अकेले बैठा हो, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे व्यापार में आपको हो सकता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तब रिजल्ट दिखाई दे, जीवन साथी ऐसा हो जाए कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या होने लगे, शादी में डिले हो जाए, सही जीवन साथी ढूंढने में आपको टाइम लग रहा हो, ऐसे चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तब यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो, सप्तम भाव का स्वामी कमज़ोर हो, सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, अब यह चीज़ ज़्यादा देखने में आती है कि, लेकिन फिर भी पाप ग्रह हो तब भी अपने घर में उतना नुकसान नहीं करेगा जितने दूसरे घर में यानी कि दूसरे ग्रह नुकसान करते हैं। तो यह नहीं है कि यहाँ पर पाप ग्रह तो सब कुछ गलत ही होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी। व्यापार भाव का आपका मजबूत होगा तो व्यापार से आप लाखों करोड़ों नहीं अरबों कमा सकते हैं, जितना शायद आप नौकरी से भी नहीं कमा सकते। यह भाव अगर आपका मजबूत हो, अन्य ग्रह स्थितियाँ थोड़ी और सपोर्टिंग हो जाओ। देखिए ऐसे लोग नौकरी करना पसंद ही नहीं करते, ऐसे लोग से कहो नौकरी करोगे, वह कहेंगे कि मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा, मैं खुद से काम करूंगा, भले ही मैं छोटा सा काम शुरू करूं, वह झुकना पसंद नहीं करते। सूर्य जैसे ग्रह यहां पर बैठ जाए, इंसान पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर पाते, झुकना पसंद नहीं करते किसी के आगे। तो हर ग्रह स्थिति के अपने फायदे भी होते हैं और ग्रह स्थिति में बिगड़ जाए तो नुकसान भी होते हैं, लेकिन उस नुकसानों की भरपाई भी की जा सकती है, उसको संभाला भी जा सकता है। अब यही सप्तमेश अगर अष्टम में बैठ जाए तो लगन से अष्टम में और खुद के घर से दूसरे भाव में जो कि धन भाव है, ऐसे इंसान को उसके जीवन काल में कई बार अचानक से धन लाभ होता है, या उसकी शादी ऐसे घर में होती है जहाँ से उसको उनके जो जीवन साथी है वह बहुत रिच फैमिली से हो,
वहाँ से उनको बहुत सारा पैसे का लाभ हो जाता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो जाता है। हाँ, ये बात है कि सप्तम का स्वामी जब अष्टम में बैठता है तो कई बार देखने में आया कि इंसान छिपे हुए काम करने यानी कि करके भी ये पैसा कमाने की बहुत कोशिश करता है, लॉटरी सट्टा जुआ खेलने की कोशिश करता है। ग्रह स्थिति अच्छी हुई तो ऐसे इंसान को खूब प्रॉफिट होगा, ग्रह स्थिति अच्छी नहीं हुई तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, अपने ही फैसलों में वह गलत नुकसान कर लेगा। कई बार सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठा हो तो ग्रह स्थिति है कि इस तरह की है कि सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक भी पीड़ित हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा इंसान शादी करने के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो, उसे शादी करने के लिए कहा जाए तो वह मना करे, यानी मना करने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेला ही अच्छा हूँ, अकेला ही ठीक हूँ। इस तरह की ग्रह स्थिति अभी मतलब आपके सामने दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर एक संभावना और उत्पन्न हो जाती है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो पीड़ित हो, अन्य ग्रह स्थिति अभी पीड़ित हो, शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित हो, सप्तम भाव से राहु केतु का संबंध हो, तो कई बार देखने में आता है कि ऐसा इंसान अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से बात करने लगा या जुड़ने की कोशिश करने लगा, ऐसी संभावनाएँ भी हो जाती है, ऐसी बातों के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रह स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तब अगर ये सप्तम भाव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो हो सकता है कि बात तलाक तक भी पहुंच जाए, लेकिन अगर सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है या फिर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो भले ही आपका रिश्ता कितना भी कमज़ोर हो जाए, आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाए, तलाक तक बात आ जाए, लेकिन रिश्ता टूटता नहीं। यह मैंने खूब देखा है, देवगुरु बृहस्पति रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, रिश्ता टूटने नहीं देते, भले ही मान लो यहाँ पर उठाओ कि कितना ही ज़्यादा हो जाए मनमुटाव आपका, कितना ही ज़्यादा हो जाए, स्थितियाँ कितनी ही कमज़ोर हो जाए, जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में, दूसरी स्थितियाँ अच्छी हैं, तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हो सकता है ख़राब हो, लेकिन अब आपको उनको मैनेज कर लेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति उसको मैनेज कर लेंगे। अब यही सप्तम भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठा तो खूब जन्म कुंडली में मैंने ऐसा देखा कि ऐसे इंसान का भाग्य शादी के बाद तेज़ी से उदय होने लग जाता, ऐसे इंसान जो शादी से पहले कुछ नहीं था उसकी शादी हो जाते ही उसका भाग्य उसका इतना सपोर्ट करने लगता है कि फर्श से अर्श तक यानी जीरो से हीरो बन जाता, सफ़र तय कर लेता है। इंसान की जो जीवन साथी होते हैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवन साथी की मदद से ही ऐसा इंसान खूब आगे बढ़ता है, ऐसा इंसान धार्मिक होता है, अपने व्यापार में खुद की मेहनत और अपने भाग्य से खूब उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, ऐसा इंसान अपने जीवन काल में विदेश में कई बार यात्रा करता और स्थितियाँ अच्छी हो जाए तो विदेश में परमानेंट सेटल भी हो जाता है। ऐसा इंसान को हो सकता है उनका जीवन साथी विदेश से ही मिल जाए, वह कहीं बाहर जाए वहाँ से उनको अपना जीवन साथी मिल जाए, तो यह स्थितियाँ यहाँ पर देखने के लिए आ जाती हैं। जीवन साथी जो उनके वह भी धार्मिक होंगे, धर्म से जुड़े होंगे, व्यक्ति का सपोर्ट करने वाले होंगे, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो वह भी हो सकता है कि वर्किंग हो या कहीं जॉब कर रहे हो सकता है वह भी बिजनेस कर रहे हो और आप और दोनों मिलकर फिर अपनी फील्ड में और कुछ अच्छा करें। ऐसा इंसान के पास धन दौलत रुपये पैसा नौकर चाकर गाड़ी समाज में मान सम्मान सब कुछ ऐसे इंसान को उसके भाग्य और कर्म की बदौलत मिल जाता। सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसे इंसान को अन्य स्थितियों का थोड़ा सा और देख ले तो आँख बंद करके बिजनेस करना चाहिए, यानी कि अच्छी स्थितियाँ तो आँख बंद करके बिजनेस करना चाहिए, उसके भाग्य से उसका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। अब यह देख लेना कि सप्तम भाव का स्वामी मृत्यु नहीं है, नीच का नहीं होना चाहिए, किसी दुश्मन के नक्षत्र में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, तो अगर नीच राशि में यहाँ पर बैठे कमज़ोर है, अंश बल से मृत अवस्था में राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, साथ में शनि देख रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर प्रभावों में कमी आ जाएगी, यानी जो चीज़ आपको 2% मेहनत करने के बाद मिली थी अब वही 10% मेहनत करने के बाद मिल रही है, तो चीज़ों में डिले होगा लेकिन प्रभाव बिल्कुल उल्टा नहीं होगा कि आप सोचें कि ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, प्रभाव बिल्कुल उल्टा नहीं होगा, हाँ प्रभावों में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल जाएगी। अब यही सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए अपने घर से चौथे भाव में लगन से दशम भाव में दोनों ही केंद्र की स्थिति है, ऐसा इंसान बहुत वर्किंग हो जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में अपने दम पर अलग नाम कमाने वाला होता है, कई बार तो ऐसे लोग ऐसे अपने राजनीति को भी यानी कि देखे होंगे कि राजनीति में भी बड़े बड़े नेता लेकिन उनके नाम से कोई बिजनेस चल रहे हैं, ऐसा इंसान राजनीति में भी एक्टिव फेमस भी है और आप उसके नाम से रेस्टोरेंट चल रहा है, होटल चल रहा है,
कुछ भी चल रहा है, मतलब उसके नाम से बिजनेस चल रहा है, नाम से उसकी जो चीज़ें बिक रही हैं, तो ऐसा भी होता है। कार्य क्षेत्र में सप्तम भाव का स्वामी मजबूत होकर अगर दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे इंसान अपने जीवन काल में बहुत आगे तक सफल होता है। ऐसे इंसान का जो जीवन साथी होता है उनके जीवन में आने के बाद ऐसे इंसान को अपने कार्य क्षेत्र में वो सफलता मिलती है। और कई बार यह भी देखने में आया कि जैसे कहीं सप्तम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में है और ऐसा व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है, कहीं बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको उसके कार्य क्षेत्र में ही अपनी नौकरी में कोई उसका जीवन साथी मिल जाए, यानी कि कोई लड़का है और जहाँ नौकरी कर रहा है वहीं पर उनकी मुलाकात किसी लड़की से हो जाए या फिर वह लोग शादी कर ले, इस तरह के अपने कार्य क्षेत्र में ही आपके जीवन साथी मिल जाए। बाकी कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर पाप ग्रह भी बैठ जाए तो सप्तम भाव के स्वामियों अच्छी दृष्टि स्थिति में हो, कार्य क्षेत्र में खूब सफलता दिलाते हैं, राजनीति में सफलता दिलाते हैं, समाज में ऊंचा नाम दिलाते हैं, ऐसा इंसान क्योंकि सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसा इंसान भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी खूब बनाता है, मल्टीपल बिजनेस करता है, जीवनसाथी का भी खूब सपोर्ट मिलता है, जीवनसाथी सपोर्ट करने वाले समझने वाले होते हैं, वर्किंग होते हैं, हो सकता है कि दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें और आगे तक जाए। तो दशम भाव में भी सप्तम भाव की स्थिति जो है बहुत अच्छी होती है, यहाँ कोई पाप ग्रह हो यहाँ से चतुर्थ भाव को देखेगा तो कई बार माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है, कई बार व्यक्ति का अपने माता से अनबन होने लगेगी, छोटे छोटे वैचारिक मतभेद होने लगेंगे, ऐसी स्थिति अभी आपको देखने को आ जाती है। लेकिन जब वह पीड़ित हो जाए अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। अब यही सप्तम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में बैठ जाए अपने घर से पंचम में और लगन से एकादश में, ठीक है, बहुत सारे ज्योतिषियों को आपने देखा होगा सप्तमेश अगर ग्यारहवें भाव में बैठ जाए तो कह देते हैं कि दो शादियां होंगी, यानी कि दो विवाह के योग है, क्योंकि जो सप्तम भाव का लाभ हो रहा है तो शादियां ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कई बार यह बात कह चुका हूं कि जन्म कुंडली का सिंगल कोई योग या कोई ग्रह कहीं बैठ जाए तो आप 100% यह नहीं सोच सकते कि ऐसा केवल संभावनाएं बढ़ जाती, हाँ संभावनाएं होती है पर श्योरिटी नहीं होती। अब जैसा मैंने आपको कहा कि सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अन्य ग्रह स्थितियां बहुत कमज़ोर हो जाए सप्तम भाव में, यानी कि सप्तम के कारण भाग्य भाव के स्वामी होकर पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं, केवल आपको 40% रिजल्ट मिलेगा, बाकी के 60% रिजल्ट के लिए या तो आप फिर इनका उपाय करिए, इनको मजबूत करिए, नहीं तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे बोल दिया जाता है ना कि दो शादियाँ होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर जब सप्तम भाव का स्वामी बैठता है तो आय के लिए बहुत अच्छा होता है, कई बार इंसान के विवाह के बाद इसके इनकम में वृद्धि, ज़बरदस्त वृद्धि होने लगती है। ऐसे इंसान के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वह उनको इनकम के लिए बहुत प्रेशराइज करने वाले हो जाते हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, पुश करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि उनकी इनकम में और वृद्धि हो। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद होता है, उनको चाहिए कि उनके पास घर बंगड़ा गाड़ी सब कुछ हो, जीवन साथी भी उनके लिए बहुत लकी हो और बहुत अच्छे से जो माने जाते हैं ना बहुत वाइज होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन साथी होंगे आप देखिएगा बहुत बुद्धिमान होंगे, कोई लड़का है तो उनकी पत्नी और कोई लड़की है यानी कि कोई लड़की है तो उनके पति बहुत बुद्धिमान होंगे, उनको बहुत अच्छी सलाह देने वाले होंगे। कोई लड़की है तो हो सकता है जिनसे वह शादी हो वह लड़का बहुत तेज दिमाग का हो, अपनी पत्नी को सही सलाह दे, अपनी पत्नी को सलाह से खुद दोनों मिलकर कोई काम को बहुत ऊंचाई तक ले जाए। यहाँ पर बैठे सप्तम भाव का स्वामी की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो ऐसे लोगों की संतान भी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है कि एक साथ दो तीन बिजनेस शुरू करें, सबको हैंडल कर ले, एक साथ काम करने वाले यानी कि मल्टीपल काम करने वाले हो जाते हैं। लोगों के जो जीवन साथी होते हैं ना वह भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो भी अपने दिमाग से मैनेज करके चलते हैं, चीज़ों को पार्टनरशिप में भी बहुत आगे तक लेकर जाते हैं, समाज से जुड़ा कोई काम करते हैं टीम वर्क करके, यानी कि उसमें भी ऐसे लोगों को खूब फायदा होता है। यहाँ पर एवं पाप ग्रह भी अगर सप्तम भाव का स्वामी होकर बैठा तो वह भी जबरदस्त प्रभाव देता है, यानी कि इनकम के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, जीवन साथी के आने के बाद आपकी इनकम में कई गुना वृद्धि होने लगी। दूसरा यह है कि अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह है तो पंचम भाव को देकर संतान में थोड़ा सा कमी कर देता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर पाप ग्रह खराब स्थिति में पंचम भाव को देख रहा है तो हो सकता है कि कहते हैं ना कि
ऑबर्शन वगैरह यानी कि अबोर्शन वगैरह की स्थिति यहाँ पर आ जाए, फिर जो है आपके जो संतान बच्चे हैं वह डिले हो जाए, देरी से हो जाए या कोई मेडिकल इशू हो जाए, इस तरह की संभावना हो सकती है अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह और स्थितियाँ बिगड़ी हुई तब। ठीक है, अब अगर बात करें हम सप्तम भाव का स्वामी बारहवें भाव में चला जाए यानी कि सप्तमेश अगर द्वादश में बैठा हो लगन से बारहवें भाव में और अपने घर से छठे भाव में, तो बहुत सारे लोग इसको बहुत ख़राब मानते हैं। लोग कह देते हैं कि वह जो अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री जो है वह चरित्रहीन होगी, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर रखने वाली होगी। इवेंट सप्तम भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठा हो तो इंसान विदेश से बहुत अच्छे लाभ कमाता है, इंसान अपने बिजनेस को अपने चाहे वह जन्मस्थान से दूर करे लेकिन अपने लाइफ में बहुत उसको बाहर तक कहते हैं ना उसका बिजनेस फैलता है। कई लोगों की जन्म कुंडली में मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस है यानी कि उनका बिजनेस सिर्फ एक देश में नहीं चल रहा, कई देशों में उसका बिजनेस चल रहा है। ऐसे लोगों की लाइफ पार्टनर होते हैं वह हो सकता है उनका जन्मस्थान से दूर से ही मिले या दो हो सकता है कि विदेश से, या हो सकता है कि उनकी शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों सेटल हो जाएं, विदेश चले जाएं, यहाँ पर खूब नाम कमाएं, पैसा कमाएं, खूब लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है। शुक्र जैसे ग्रह के बारे में बारहवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक हो जाता है और परम सौभाग्यशाली हो जाता है। ऐसे इंसान की लाइफ बहुत ही लग्जरियस हो जाती है, घर बंगला नौकर गाड़ी नौकर चाकर यह सब कुछ मिल जाता है ऐसे इंसान के पास, यानी कि कोई कमी नहीं होती। अब लेकिन जैसे मैंने बताया कि उदाहरण क्या है कि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर के बारहवें में बैठे हों तो ऐसा इंसान थोड़ा कहते हैं ना भोगी प्रवृत्ति का हो जाता, खाने पीने में ध्यान नहीं देता, मतलब थोड़ा सा उनको भोगी प्रवृत्ति का मतलब यह है कि उसे शान और शौकत बहुत अच्छी, बाहर की चमक दमक बहुत अच्छी लगने लगती है। अब सीधी सी बात है इस तरह होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी कमज़ोर है, कोई पाप ग्रह है सप्तम भाव का कोई कमज़ोर होकर के बैठा है, सप्तमेश कमज़ोर है, तो हो सकता है कि जीवन साथी के स्वामी स्वास्थ्य का वो परेशानी होने लगे, या हो सकता है कि उनके आने के बाद आपको जीवन में लॉस हो जाए, थोड़ा बहुत आप अपने कहते हैं बिजनेस में लॉस कर बैठे, अपने गलत निर्णय से अपना बिजनेस में आप लॉस कर लें या परेशानी में पड़ जाएं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका गलत निर्णय ही यानी कि गलत निर्णय की वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कब जब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो तभी होती है जब इस तरह से स्थितियाँ देवगुरु बृहस्पति भी ख़राब हो जाए, सप्तमेश भी कमज़ोर हो जाए, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कमज़ोर हो जाए। इसके अलावा अगर कह सकते हैं कि नवम भाव कमज़ोर हो, लगन कमज़ोर हो, तब कहीं यह स्थितियाँ होती हैं। अगर केवल सप्तम भाव से आप देख रहे हैं तो सप्तम भाव थोड़ा कमज़ोर भी पड़ रहा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अच्छी दृष्टि हो, भाग्य भाव से कोई ग्रह बैठकर यहाँ पर देख रहा हो तो बहुत सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी। तब आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि सप्तमेश बारहवें भाव में बैठा है तो इंसान को नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं कि इंसान विदेश जुड़कर खूब पैसा कमाता है, अपनी लाइफ में हर एक ऐश्वर्य में ऐसे इंसान के पास होता है। आपको जैसे देखो तो आपको पहले स्थिति देख लेनी चाहिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है वगैरह, इसके बाद कि आप किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। तो यह था जन्म कुंडली के सप्तमेश का बारहवें भावों में प्रभाव। एक चीज़ मैं आपको बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छी चीज़ ज़्यादा कर करते हैं, ठीक है, ख़राब चीज़ कम करते हैं। देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली में 100 में से 90 चीज़ ख़राब है तो मेरा दिमाग को 90 चीज़ में नहीं जाता, मेरा दिमाग जाता है उन 10% उन्हीं चीज़ों में जिसको और बेहतर बनाकर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा आपको यह समझने की कोशिश करना है कि पॉजिटिव साइड देखा करिए, यह मत देखिए कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखिए कौन सी चीज़ अच्छी है जिनको आप और बेहतर बना करके लाभ कमा सकते हैं और लाभ किया जा सकता है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी आपसे कुछ बोल दे कि ऐसा कि बहुत ख़राब स्थिति है तो एकदम से परेशान नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि देखना है कि क्या इसके कुछ और दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, कौन सी अच्छी चीज़ हमारी जन्म कुंडली में है। तो इसीलिए मैं हर तरह से आपको बताता हूँ कि आपको हर चीज़ लगभग क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, ओम नमः शिवाय।